लव जिहाद पर बिहार के कटिहार में महिला पुलिसकर्मी हत्याकांड का महाराष्ट्र के नागपुर से हत्यारा गिरफ्तार हो चुका है। वहीं पूरे 10 स्टेट को खंगाल कर नागपुर पहुंची कटिहार पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग और जबरन विवाह को लेकर महिला पुलिसकर्मी प्रभा भारती हत्यारा हसन अरशद उर्फ छोटू का विरोध कर रही थी, जिस वजह से उन्हें हत्यारा अरशद उर्फ छोटू 7 लोगों के सहयोग से कोढ़ा थाना क्षेत्र के भटवारा हाईवे पर गोलियों से छलनी कर उनकी हत्या कर दी थी। बीते 8 फरवरी की देर शाम हत्यारों ने घटना को अंजाम देकर लग्जरी कार से सवार होकर फरार हो गया था। वहीं सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान की मदद से हत्यारों तक पुलिस पहुँच गई। मामले में अब तक 5 हत्यारों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। घटना में प्रयुक्त कार दिल्ली से बरामद किया गया है। कटिहार पुलिस ने स्पीडी ट्रायल से हत्यारों को सजा दिलाने का दावा किया है। एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि कटिहार पुलिस के लिए यह हत्याकांड एक चैलेंज बन चुका था। प्रेम प्रसंग और ब्रेकअप महिला पुलिसकर्मी की मौत की वजह बन गई थी। बताया जाता है कि घटना के वक्त हत्यारा हसन अरशद उर्फ छोटू एवं मोहम्मद सज्जाद उर्फ रॉकी की महिला पुलिसकर्मी से बहस हो रही थी। मामले का अनुसंधान कर कटिहार एसपी ने कहा कि चर्चित कटिहार महिला कांस्टेबल प्रभा भारती हत्याकांड का मुख्य आरोपी हसन और सज्जाद की गिरफ्तारी होने से कटिहार पुलिस के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। ये घटना जो है वो कटिहार पुलिस के लिए एक अस्मिता का बात था। इसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया था। जो मुख्य अभियुक्त थे, तत्क्षण जो है कुछ अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। घटना का उद्भेदन भी हो गया था, परंतु जो मुख्य अभियुक्त थे वो फरार चल रहे थे। इसे हमारी जो स्पेशल टीम है, उस टीम के द्वारा जो है लगभग 8-10 राज्यों में जो है छापामारी किया गया। लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हम लोगों के द्वारा खंगाले गए। जो घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी एवं जो दो मेन अभियुक्त थे, जिससे मेन जो मृतिका का जो इशू था, छोटू उर्फ मोहम्मद हसन अरशद और दूसरा उसका जो साथी है, जो हमेशा साथ में रहता है, वो सज्जाद मोहम्मद सज्जाद उर्फ रॉकी, इन दोनों की गिरफ्तारी जो है महाराष्ट्र के नागपुर से हुई। उसके बाद हम लोगों ने विधिवत उनका रिमांड लिया वहां के माननीय न्यायालय से और उसे हम लोगों ने कटिहार लाया है। जो गाड़ी जो यूज हुई थी घटना में, उसे भी हम लोगों ने बरामद किया है। वो दिल्ली में जो है वो रखी गई थी, उसे भी हमारी टीम ने जो है बरामद किया है। इस पूरे घटनाक्रम को हम पर्सनली मैं मॉनिटर कर रहा था और इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले जाएंगे, इसे सजा दिलाएंगे और एक एग्जाम्पल के रूप में इस केस को हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इन दोनों ने ही उसके साथ मृतिका के साथ जो है बहस स्टार्ट किया, उसी क्रम में जो है इसने गोली मारी। सर, शादी के धर्म का जो धोखा वाला चर्चा, इसमें जो हम लोगों ने मोबाइल खंगाला है, तो जो वो बात चल रही थी वो बात सही नहीं है, क्योंकि मोबाइल का कम्युनिकेशन जो इनिशियल कम्युनिकेशन है उससे क्लियर हो रहा है कि एक दूसरे के जो रिलीजन है ये लोग एक दूसरे को जानते। बहरहाल लगातार लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने की मांग सरकार से की जा रही है, लेकिन बिहार सरकार ऐसे मामलों को दरकिनार करती नजर आती रही है। नतीजा अब कटिहार पुलिस के साथ घटित हुआ है। खुलासा के लिए कटिहार से रवि राज की यह रिपोर्ट।